Hello children, in this video you will get to know what are cookies and what are the different types of cookies. Okay, cookie kya hota hai? Okay, a cookie is a piece of data from a website that is stored within a web browser that the website can retrieve at a later time. To cookie kya hai? Cookie ek टेक्स्ट फाइल है. ओके, एक टेक्स्ट फाइल है, एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा है जो आपके वेब ब्राउजर में आके स्टोर हो जाता है. और कब स्टोर होता है? जब आप किसी वेबसाइट को क्या करते हो, विजिट करते हो, किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, तो वो वेबसाइट क्या करती है, आपके ब्राउजर में कुछ डेटा स्टोर कर देती है. फाइन, उस डेटा को कहा जाता है कुकी. ओके, तो वेबसाइट वेब ब्राउजर में कुकी क्यों स्टोर करती है, रीजन क्या है? ओके, इसका रीजन, इसका यूज क्या है? ओके, तो इसका यूज है, कुकीज आर यूज टू टेल द सर्वर दैट यूजर्स हैव रिटर्न टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट. कुकीज इसलिए स्टोर की जाती है वेब ब्राउजर में, कोई भी वेबसाइट इसलिए स्टोर करती है, सो डेट अगर आप उस वेबसाइट को दोबारा विजिट करते हो तो ये इंफॉर्मेशन सर्वर के पास पहुंच सके कि नाउ यू आर रिविजिटिंग द वेबसाइट, आप दोबारा से उस वेबसाइट को विजिट करो. फाइन, व्हेन यूजर रिटर्न्स टू अ वेबसाइट अ कुकी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड अलाउज द साइट टू डिस्प्ले सिलेक्टेड सेटिंग्स एंड टारगेटेड कंटेंट. ओके, तो जब आप दोबारा उस वेबसाइट को विजिट करते हो तो कुकी क्या करती है, आपको आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. जैसे मान लो आपने फर्स्ट टाइम एक वेबसाइट को विजिट किया और आप कुछ पर्टिकुलर चीजों को आपने सर्च किया. ओके, तो क्या होगा, कुकी क्या करेगा, जो टेक्स्ट फाइल है वो हेल्प करेगी, वो सर्वर के पास इंफॉर्मेशन सेंड करेगी कि नाउ यू आर रिविजिटिंग दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. तो क्या होगा, वेबसाइट क्या आपके पास अवेलेबल कराएगी, आपका टारगेटेड कंटेंट, मीन्स जो आप कंटेंट चाहते हो, जो आपने पहले सर्च किया था. ओके, उससे रिलेटेड उस आपके पास कंटेंट आ जाएगा. फाइन, ओके, कुकीज आल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन सच एज शॉपिंग कार्ट कंटेंट्स. मान लो आप किसी शॉपिंग वेबसाइट को क्या करते हो, विजिट करते हो. ओके, तो क्या होता है, वो वेबसाइट आपके ब्राउजर में कुकीज स्टोर कर देगी. कुकीज क्या होता है, टेक्स्ट फाइल्स जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. ओके, तो जो कुकीज होती है उनमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि जो आपने शॉपिंग की थी, राइट, कौन कौन से आर्टिकल की थी, कौन कौन से गुड की थी, वो कुकीज में स्टोर हो जाता है. ओके, रजिस्ट्रेशन और लॉगिंग क्रीडेंशियल्स एंड यूजर प्रेफरेंसेस. ओके, आपका रजिस्ट्रेशन आपने किया, आपने जो भी लॉगिन किया, आपका आईडी पासवर्ड. ओके, एंड वट एवर यू आर सर्चिंग, आपकी जो भी प्रेफरेंसेस हैं, जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो आप क्या क्या सर्च करते हो, आप किस किस चीज को सर्च करना प्रेफर करते हो. ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो जाती है, वो सारी कुकीज के अंदर जाके स्टोर हो जाती है. ओके, दिस इज डन सो डैट वेन यूजर रिविजिट साइट्स एनी इंफॉर्मेशन डेट वॉज प्रोवाइडेड इन प्रीवियस सेशन और एनी सेट प्रेफरेंसेस कैन बी इजिली रिट्राइव्ड. और कुकी क्या करती है, जब आप नेक्स्ट टाइम सेम वेबसाइट को विजिट करते हो, रिविजिट करते हो, तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू द योर प्रीवियस सर्च, जो आपने पहले इस वेबसाइट पे आके सर्च की थी, ओके, उस सर्च से रिलेटेड वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है. फाइन, वो आपके प्रेफरेंसेस जानती है कि आप अगर इस साइट पे आए तो आप क्या क्या सर्च करोगे. लेट अस सपोज आप क्लोज को, जैसे आप शॉपिंग साइट पे जा रहे हो तो आपने क्लोज को सर्च किया, आपने मोबाइल फोन सर्च किए, तो ये क्या कुकीज क्या करती है, ये बताती है कि व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस. ओके, एडवर्टाइजर्स यूज कुकीज टू ट्रैक यूजर एक्टिविटी अक्रॉस साइट्स सो दैट सो दे कैन बेटर टारगेट एड्स, राइट. एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, कुकीज का यूज करते हैं आपकी एक्टिविटीज को जानने के लिए कि आप क्या, अगर आप वेबसाइट्स यूज करते हो, वेब पेजेस पे आते हो, तो आप क्या सर्च करते हो. ओके, और जैसे मान लो
आपने मोस्टली आप एकेडमिक वेबसाइट्स का यूज करते हो, आप एकेडमिक वेबसाइट्स पे अपनी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, तो आपके पास क्या आना लग जाएगा, ऐसे ही आपके पास एड्स आने लग जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा एग्जांपल यूट्यूब का देती हूँ। आपने नोटिस किया है जैसे आप वीडियो सर्च करेंगे वैसे ही वीडियोज आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप अपने सिलेबस रिलेटेड वीडियो सर्च करेंगे तो क्या होगा, आपके पास आपके सिलेबस रिलेटेड वीडियोज आने लग जाएगी। अगर आप मूवीज रिव्यूज की वीडियोस देखते तो आपके पास मूवीज रिव्यूज की वीडियोस आने लगेगी। तो क्या होता है, इस आपके सर्च हैबिट्स के अकॉर्डिंग आपके पास डेटा आता है। फाइन, सर्च हैबिट्स के अकॉर्डिंग वो आपको डेटा, यूट्यूब आपको डेटा प्रोवाइड करता है। फाइन, ऐसे ही यहाँ पे कुकीज का फंक्शन है, वो आपकी सर्च हैबिट को क्या कर रहे हैं, सर्च हैबिट के अकॉर्डिंग वो जान रहे हैं कि आपको क्या डेटा चाहिए, व्हाट यू वांट, राइट। ओके, व्हाइल दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज यूजली ऑफर्ड टू प्रोवाइड मोर पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस, सम पीपल आल्सो व्यू दिस एज अ प्राइवेसी कंसर्न। वैसे कुकीज का क्या यूज किया जाता है, आपकी सर्च हैबिट्स को जानने के बाद आपके पास उसी पर्टिकुलर डेटा को प्रोवाइड करना और वैसे ही आपके पास एड्स पहुंचाना, राइट। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुकीज क्या होती है, हमारे लिए थोड़ी सी हमारी प्राइवेसी के लिए थ्रेट भी होती है। ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट आर कुकीज, कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट आर स्टोर्ड ऑन द वेब ब्राउजर बाय द वेबसाइट्स दैट वी विजिट। ठीक है, ये क्या होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती है जो हमारे वेब ब्राउजर में स्टोर जाती है। क्यों स्टोर जाती है, जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट कुछ पर्टिकुलर स्मॉल फाइल्स को क्या करती है, स्टोर कर देती है ब्राउजर में, जिनको हम कुकीज कहते हैं। ओके, और कुकीज का फंक्शन क्या होता है, यूजर की सर्च हैबिट्स को जानना, स्टोर करना, उसको सर्वर तक पहुंचाना, राइट। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कुकीज, हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज। फर्स्ट वी हैव सेशन कुकी। सेशन कुकी इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिएंट कुकी और पर सेशन कुकीज। सेशन कुकीज स्टोर इंफॉर्मेशन व्हाइल यूजर इज विजिटिंग द वेबसाइट। सेशन कुकी क्या होती है, जो तभी स्टोर होती है आपके वेब ब्राउजर पे जब आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या करो, विजिट करो। ओके, दीज कुकीज आर डिलीटेड वंस द यूजर क्लोजेस द सेशन। और जैसे ही आपने उस वेबसाइट को क्लोज कर दिया तो ये कुकीज क्या होती है, डिलीट हो जाती है। ये बहुत टेम्परेरी है, सेशन मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ये टेक्स्ट फाइल आपके ब्राउजर में स्टोर होंगी जब तक आप उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो। जैसे ही आपने वेबसाइट को क्लोज कर दिया वैसे ही सेशन कुकीज क्या होती है, डिलीट हो जाती है। ओके, नाउ यू हैव परसिस्टेंट कुकी। परसिस्टेंट कुकीज आर स्टोर्ड फॉर अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम, दीज कुकीज रिमेन ऑन योर डिवाइस अंटिल दे एक्सपायर और आर डिलीटेड। परसिस्टेंट कुकीज का आपके सिस्टम पे स्टोर होती है कुछ टाइम लिमिट के लिए। और ये क्या होती है, ये आपके डिवाइस में तब तक रहती है जब तक इनकी टाइम लिमिट है। जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाती या डिलीट या आप उसको डिलीट नहीं कर देते हो। फाइन, तो परसिस्टेंट कुकीज एक टाइम लिमिट तक आपके सिस्टम पर रहती है। फाइन, परसिस्टेंट कुकीज आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रैकिंग कुकीज बिकॉज दे आर यूज टू कलेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन सच एज ब्राउजिंग हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। ओके, तो परसिस्टेंट कुकीज को हम ट्रैकिंग कुकीज भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं किसके रिगार्डिंग, मीन इसके के यूजर कौन कौन सी चीज इंफॉर्मेशन को ब्राउज करता है, मतलब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सर्च करता है, उसकी ब्राउजिंग हैबिट्स क्या हैं, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। फाइन, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी कुकीज। ओके, फर्स्ट पार्टी कुकीज आर कुकीज सेट बाय वेबसाइट्स दैट यूजर्स डायरेक्टली विजिट। फर्स्ट पार्टी कुकीज कौन सी कुकीज होती हैं, जो वो वेबसाइट स्टोर करती हैं जो जिन्हें यूजर डायरेक्टली विजिट करता है। ओके, दीज कुकीज ओफन स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट और रिलेटेड टू द साइट सच एज प्रेफर्ड सेटिंग्स और यूजर लोकेशन। ओके, तो इन कुकीज पे ये कुकीज क्या क्या स्टोर करती हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं जो यूजर है उसकी सर्च हैबिट्स क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। ओके, यूजर की लोकेशन क्या है, समटाइम्स इट ऑल्सो स्टोर द लॉगिन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। ओके, तो फर्स्ट पार्टी कुकीज बेसिकली है क्या, वो फर्स्ट पार्टी कुकीज कौन स्टोर करता है, जिस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली विजिट करते हो,
right? Now we have third party cookies. Third party cookies are cookies that come alongside third party content such as embedded videos, ads, web banners and scripts on a visited website that user visit. Third party cookies कौन सी होती है? मान लो आप एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, आपने एक वेबसाइट ओपन किया और आप उसमें उसको उसके अंदर कुछ भी सर्च कर रहे हो और यू आर रीडिंग सम टेकिंग सम इंफॉर्मेशन, तो उसके अंदर कोई एड आया हुआ है, राइट? कोई एड है उस वेबसाइट के अंदर, या फिर कोई एम्बेडेड वीडियो है, मतलब कोई वीडियो है, आपने उस पे क्लिक किया, एड पे क्लिक किया, राइट? तो क्या होगा, उसके थ्रू जो आपके सिस्टम में कुकीज स्टोर होंगी उसको बोलेंगे थर्ड पार्टी कुकीज, फाइन? जो डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू आपके पास नहीं आ रही है, उस वेबसाइट में जो एड आया है या उस वेबसाइट में कोई वीडियो, एम्बेडेड वीडियो है, कोई वेब बैनर है, उसके थ्रू जो आपके पास कुकीज स्टोर होंगी, उस पर्टिकुलर वीडियो या एड या वेब बैनर या एनी स्क्रिप्ट के थ्रू जो आपके ब्राउजर में टेक्स्ट फाइल स्टोर होगी, उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी कुकीज, क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पास कुकीज आ रही है, डायरेक्टली वेबसाइट्स के थ्रू नहीं आ रही, एड के थ्रू आ रही है या आपके पास वीडियोस के थ्रू आ रही है या सम अदर सोर्स के थ्रू आ रही है, राइट? ओके, एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज थर्ड पार्टी कुकीज टू ट्रैक यूजर बिहेवियर. तो ये जो थर्ड पार्टी कुकीज होती हैं, राइट, वो भी क्या करते हैं, यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए ही यूज की जाती है, कि यूजर किस टाइप के डेटा को सर्च करता है, उसकी क्या ब्राउजिंग हैबिट्स है, ऐसा ही डेटा उसके पास अवेलेबल किया जाए, ऐसे ही एड्स उसके पास पहुंचाए जाए. ओके, नाउ वी हैव सुपर कुकीज. सुपर कुकीज आर सिमिलर टू द सेशन कुकीज इन दैट दे ऑल्सो ट्रैक यूजर बिहेवियर एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री. हाउ एवर दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू रिक्रिएट यूजर प्रोफाइल्स इवन आफ्टर रेगुलर कुकीज हैव बीन डिलीटेड. अब सुपर कुकीज कौन सी है? सुपर कुकीज का भी वही काम है, यूजर की ब्राउजिंग हैबिट्स को क्या करना, स्टोर करना, ओके, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि वो यूजर की ब्राउजिंग हैबिट्स क्या है, राइट? ओके, सुपर कुकीज आर आल्सो स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस देन स्टैंडर्ड कुकीज. लेकिन सुपर कुकीज का क्या है, ये डिलीट होने के बाद भी क्या हो जाता है, ये रिक्रिएट हो जाती है, फाइन? ओके, अब यहाँ पे क्या है, सुपर कुकीज क्या करते हैं, आर स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस देन स्टैंडर्ड कुकीज. जहाँ पे जो स्टैंडर्ड कुकीज स्टोर होती हैं, उससे अलग प्लेसेस पे सुपर कुकीज जाके स्टोर हो जाती है, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कहाँ है, ठीक है? अगर आपको डिलीट करनी है, मान लो जो स्टैंडर्ड कुकीज होती है, आप उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके डिलीट कर सकते हो, बट सुपर कुकीज क्या होते हैं, दे हाइड देमसेल्फ, सो यू आर नॉट एबल टू डिलीट देम. ओके, दिस मेक्स डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग देम मोर डिफिकल्ट फॉर द एवरेज यूजर. तो यहाँ पे क्या होता है, सुपर कुकीज परसिस्टेंट होती है, आपके सिस्टम में रहती है, आप उनको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते, आसानी से उनको आप रिमूव नहीं कर पाते, राइट? सुपर कुकीज आर समटाइम्स कॉल्ड जॉम्बी कुकीज और एवर कुकीज, इसलिए सुपर कुकीज को जॉम्बी कुकीज या एवर कुकीज भी कहा जाता है. ओके, फंक्शन वही है, दे स्टोर द यूजर्स ब्राउजिंग हैबिट्स, ओके, एंड बट व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुपर कुकीज, सुपर कुकीज क्यों कहा जाता है, कि ये आसानी से डिटेक्ट नहीं होती, उनको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, फाइन? नाउ वी हैव फ्लैश कुकी. फ्लैश कुकी और लोकल स्टैंडर्ड, सॉरी, लोकल शेयर्ड ऑब्जेक्ट आर डेटा फाइल्स दैट आर स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स बाय वेबसाइट्स दैट यूज एडोब फ्लैश. अब फ्लैश कुकीज कौन सी होती है? फ्लैश कुकीज वो वेबसाइट्स आपके सिस्टम पे स्टोर करेंगी, आपके ब्राउजर पे स्टोर करेंगी, जो एडोब फ्लैश को यूज करती है. फाइन, मान लो आपने एक वेबसाइट को विजिट किया और वो वेबसाइट किसको यूज करती है, एडोब फ्लैश को यूज करती है, तो ये वेबसाइट आपके ब्राउजर में किस टाइप की कुकीज को स्टोर कर देंगी, फ्लैश कुकीज को, फाइन? लाइक ब्राउजर कुकीज, फ्लैश कुकीज कैन स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन इन फ्लैश एप्लीकेशन. ओके, ब्राउजर कुकीज की तरह फ्लैश कुकीज भी क्या करती है, यूजर की इंफॉर्मेशन फ्लैश एप्लीकेशंस में स्टोर कर देती है. फ्लैश कुकीज आर समटाइम्स यूज्ड बाय साइट्स एज बैकअप वंस द ब्राउजर कुकीज इज डिलीटेड. और क्या होता है, अगर आपने ब्राउजर कुकीज को डिलीट कर दिया, तो फ्लैश कुकीज क्या करती है, एज अ बैकअप यूज करते हैं, की जाती है, राइट? एज अ बैकअप मीन्स जो डेटा आपकी नॉर्मल कुकीज में था, मान लो आपकी सेशन कुकीज में था या आपकी सम अदर काइंड ऑफ कुकीज में था, वो आपने डिलीट कर दिया, तो फ्लैश कुकीज क्या करेगी, उस डेटा को रिकवर करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है?
Flash cookies are sometimes used by sites as backup once the browser cookie is deleted. ओके, तो ब्राउजर कुकी अगर डिलीट हो जाती है तो फ्लैश कुकीज क्या प्रोवाइड करेगी? फ्लैश कुकीज बैकअप प्रोवाइड कर देगी. ओके, सो दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. बी सेफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज.